बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि मुस्कान भाभी कहाँ है, मुस्कान भाभी कहाँ है, मुस्कान भाभी कहाँ है। दरअसल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस हमारी मॉर्निंग हो गई है, तो आज हम लोग चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग ना जब बस से आए थे ना, तो अपन बस से नहीं जाएंगे, वो देखो जो सामने वैन खड़ी है ना, हम लोग उससे जाएंगे। हमारे नफीस भाई की वैन है, तो माशाल्लाह इन लोग भी जा रहे हैं उधर पे, क्या बोलते हैं ये वाला, तो हम लोग को बोले हैं कि साथ में चलो, तो हम लोग इन लोग के साथ में ही जाएंगे। लेकिन सही है, साथ में जाएंगे, लेकिन तो फिर बस के चक्कर काटने बहुत भारी पड़ता था, फिर बच्चे लोग को लेके यहाँ वहाँ भटको। तो माशाल्लाह एक ही आसानी हो गई कि अपन वैन में जाएंगे। तो हम लोग आए थे मुस्कान भाभी से मिलने के लिए, माशाल्लाह यहाँ पर सबसे मिले बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से ना एक खुशखबरी शेयर करने की है, वो क्या है, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहे हैं, इंशाल्लाह ब्लॉग के एंड में आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग कमेंट में बोल रहे थे ना मुस्कान भाभी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो वो आए हैं अपने अम्मी के घर। तो बस अभी निकलेंगे आधे घंटे में, जब तक तैयारी वगैरह हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमारी फातिमा को रेडी कर ले है ना, बेटा सलाम कर दो जल्दी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। मिला मम्मू को देखो, माशाल्लाह कितना मस्त तैयार हो गया बेटा। अरे गुद्दू आ नीचे उतर ले, आ जाओ आ जाओ, आओ नीचे उतर, आ जाओ। वो कैसा है स्पाइडरमैन के ऐसा बैठा है नीचे उतरने के लिए। उतरो बेटा, उतरो उतरो, जल्दी उतरो जल्दी। अरे माशाल्लाह दोनों बच्चे रेडी हो गए। हाँ फातिमा, नया नया कपड़ा पहन लिया तुमने? अरे वाह कितने अच्छे लग रहे ना तुम, इसको देखो ए बटला। तो गाइस यहाँ पे हमारी पार्किंग हो गई है, और वहाँ पर सब लोग आए हैं मिलने के लिए, माशाल्लाह सब मंडली जमी हुई है। बस अभी 10 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं। तो हमारे उबैद भाई रख रहे हैं गाड़ी में, अनिस मामू बोलते बस एक ही बैग लगा रहे थे माशाल्लाह। तो क्या रखेंगे पीछे? ये तो ये वाली गाड़ी है, ठीक है। आया टायर उधर रहते ना उस साइड पीछे मिल जाएगी ना। कहाँ क्या बोले? चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई गिरेगा तो नहीं ना? हाँ एक नंबर, ऐसे बीच में रख दो। हाँ एक आदमी आगे भी रहेगा ना, मैं आगे बैठ जाऊँगा। नहीं वो अच्छा, नहीं बढ़ते पीछे, उनको उल्टे होते। ठीक है तो चलेगा, तो फिर अपन पीछे बैठ जाएंगे, बटा देंगे तुम आगे बढ़ जाना। ठीक है चलेगा। हाँ चलते बेटा, 8 नंबर, 8 नंबर की दीवानी है, 8 नंबर की दीवानी। चलो अल्लाह हाफिज। मुस्कान रो मत यार, मेरे सब्सक्राइबर लोग तुमको बहुत याद कर रहे, रो मत। मुस्कान क्यों रोएंगी? देखो चलो निकलते, चलो भाई कहाँ सालो सालो इधर ही रहेंगे क्या? चलो चप्पल कहाँ है तुम्हारी? नादिम को दादा को दोनों भेजना, कोई भी आएगा तो नादिम को भेजूंगी, जब नादिम आया ना। चलो छुनगिर का सफर अपना इतना ही था ना बेटा, अभी आएंगे इंशाल्लाह बाद में अपना, ठीक है। चलो चलते, गाड़ी भी रेडी हो गई। चलो चलो बॉस, क्या बात है, हम भी पहले बैठ गए माशाल्लाह। हेलो चलो बाबू ले लो इसको, चलो गोलू जो आएगा के बाद। अल्लाह चल ना, हां अयो हां और गाइस मुझे आप कॉल भी मारे के बारो ना नाचा नहीं किया देगा फातिमा तुमने? नहीं हां के बैठी थी, नहीं उठा नहीं करे ये बात नहीं। चलो अवैध भाई, हाँ चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। हेलो दानिश भाई, दुआ में याद रखो। अरे मेरा दोस्त फैजान भाई, तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा अगली बार, मिला नहीं उनको। अरे मिला, बात ही नहीं कर रहे भाई, पता नहीं क्यों माशाल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, बाय बात नहीं करेंगे, शादी में भी नहीं आऊँगा सोच लो फिर। ये बटला भी आ रहा है क्या? हे बबुआ तुम भी आ रहे? सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन इन्ना इला रब्बिना लमुन कलिबून। बहुत अच्छा लगा, पर माना से मिलकर अच्छा लगा। गोली बस से बच गई मैं तो, बिचारी मिसबा को सदा डालती थी सिर्फ मिसबा की गोदी में बस। नानी के पास मत बैठे तो, अरे वाह मेरी खिड़की के पास।
आराम से हाँ हाँ मुस्कुरा दिए, क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह। शॉर्टकट गांव के रास्ते भी आ रहे हैं आप लोगों को दिखा कर। ये जो गांव मतलब ये रस्ते से जा रहे हैं जल्दी पहुंचेंगे इससे शॉर्टकट पार के, नहीं टोल नाके से बचने के लिए। गाइस आप लोग मेरे सामने जो जमीन देख रहे हैं ना, देखो इसमें ऐसे पत्थर गाड़े, इसको क्यों गाड़ के रखते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को मालूम है तो मुझे जरूर कमेंट करें। खेत में पानी सो जा बेटा, फातिमा को देखो हम लोग ऐसे सुला रहे हैं। तो हम लोग ना अभी कुछ जा रहे हैं देख खाने पीने के लिए, क्योंकि कैसा सुबह में थोड़ा हल्का नाश्ता करके निकले थे, क्योंकि भाई सुबह सुबह ज़्यादा नाश्ता कर लेंगे सफ़र में बहुत भारी पड़ता है। तो अभी यहाँ पर रुके हैं हम लोग, होटल में आए हैं। हाँ यहाँ देखो सामने है ना भाई, भजिया है, वड़ा है कटले से लेके आता बाटली। हाँ वड़ा एक नंबर दिखे यार, वड़ा में नहीं क्या ये क्या कुछ नहीं उसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ फुगा। हाँ तो भजिया ले लो। और आप लोग होटल देखो मस्त है, हाँ एकदम बड़ा होटल मस्त। चले अपने नफीस भाई ले रहे हैं यहाँ से भजिया। कितने ले रहे हाँ? चार पाँच कूड़े। हाँ कितने ले रहे? चार। हाँ चार पाँच ले लो। कितने का रहता है एक कूड़ा? 20 रुपये। हाँ तो 100 रुपये का पूरा ले लो। पाँच कूड़े यही जो है गाड़ी में बांध दो, बांध दो फिर गाड़ी में खा ले। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखो भजिया वगैरह जो भी है नाश्ते के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ पूछा बोले हाँ वड़ा भी ले लिए क्या? वो वड़ा बहुत अच्छा ले लो। अब तू आ गए फातिमा, बैठो मैं आता हूँ देख के आऊँ उधर पे शेप लेके, ठीक है बैठो मेरा बच्चा मैं आ रहा हूँ, वड़ा खाओ जब तक, ठीक है भजिया खाओ मैं आ रहा हूँ। तो अपन ना जो सामने जो पुल नज़र आ रहा है ना उसके पास देखते हैं एप्पल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अपने योला में ना एप्पल मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ आम आम ही मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर चला शेडिंग करते हैं और सेब वगैरह भी है अपन ले लेते हैं। और यहाँ पर देखो रिक्शा वगैरह मस्त फुल शेयरिंग है, एक बार देख लेते। यहाँ पे भी देखो होटल है, मेरे ख्याल से ना वहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर नज़र आ रही है। तो गाइस हम लोग ना मालेगाँव पहुँचने वाले हैं, लेकिन ऐसा भूख लगी थी ना तो बीच में गाड़ी को करके थोड़ा नाश्ता वगैरह जो भी है हम लोग ने ले लिया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सेब या तो अपने को वड़ा पाव कटलेस विटलेस जो भी है, सेब तो नहीं लिया। नहीं है यार यहाँ पे सेब। वाह पूरा मैंने जड़िंग कर लिया। यहाँ पे सिर्फ वड़ा पाव कटलेस विटलेस जो भी है ठेले पे वही लेके बैठे हैं, तो बाकी सेब का कुछ भी सीन ही नहीं है यहाँ पर। एप्पल का सीज़न चले गया क्या? मिल नहीं रहा है, सामने भी नहीं है, आम ही मिल रहा सब जगह। तो वहाँ इतने सारे आम खड़े हैं और यहाँ पर काकड़ी पूरा देख लिया अम्मी, सिर्फ वड़ा पाव कटलेस भजिया ये सब के ठेले लगे हुए। हाँ खत्म। पानी के बॉटल लिए तो अपन भी बैठ के नाश्ता करते हैं यहाँ पर। हाँ नाश्ता करेंगे, नाश्ता करेंगे। ले लो ले लो मेरा बच्चा, मिर्ची नहीं उठाना, मिर्ची नहीं उठाना। तो यहाँ पर नफीस भाई और अपने अंकल और हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर। भाई चाय एक नंबर है माशाल्लाह गाइस, यहाँ का चाय भी और भजिया भी एक नंबर, मज़ा आ गया खाने के लिए। तो मतलब तुम लोग जब भी यहाँ से जाते तो यहीं रुकते हैं भजिया वगैरह खाने के लिए? यहीं रुकते हैं, एक नंबर लग रहा है। होटल का नाम क्या है? चाय मस्त है ना, आएगी एक नंबर चाय लगी।
तो भाई सालिया को भी चाय पीने का मन कर रहा था, तो माशाल्लाह यहाँ पर देखो चाय हो गया, पी भी लिए तुमने इतनी जल्दी, क्या बात है। तो चले भाई मजा आ गया माशाल्लाह यहाँ के होटल में, अपने को भजिया वगैरह जो भी है चाय भी पी है। तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है यार, ऐसे हंस रहा करो ना। बैठिया बोल रही हूँ। चलो ठीक है तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं इधर ही रह रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। अल्लाह दोनों जन क्या बात है। चलो मत जा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। चलो चलते। तो गाइस आओ आप लोग भी मालेगांव से गर्मा गर्म भजिया खाने के लिए, एक नंबर भजिया। गाइस सी दिस सीन, एक नंबर। रास्ते हम लोग की गाड़ी एकदम मस्त आई है, लेकिन कहाँ है मनमाड़ पहुंचे ना अपन। मनमाड़ में देखो भाई तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं मनमाड़ स्टेशन। देखो भाई आरान को इतनी गर्मी लग रही थी कि हम लोग ने इसकी टी शर्ट निकाल दिया, चुपचाप अपने पैर के फ्रास में नीचे डाल दिए, मस्त बैठा हुआ। क्या मस्त हवा चल रही है यार, एक नंबर, दिल खुश। बारिश होने का अंदेशा है क्या आगे? कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। तो गाइस जो आप लोगों को यहाँ पर पहाड़ी नजर आ रही है ना, तो ये अनकाई किला है, यहाँ पे भी पब्लिक जाते हैं, ऊपर रास्ता भी जाने का। अरे हाँ यार एक नंबर। चलो चलते ना अभी। बंदर भी है, बहुत हालत खराब हो जाएगी। बंदर को लेके जाना पड़ता है, कैमरा लेके भाग गए। माशाल्लाह गाइस आधे रास्ते से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पर ट्रैफिक देखे, और कितना प्यारा व्यू नजर आ रहा है, बादल देखो एक नंबर। ठंडे जो रस्ते से हम लोग जा रहे हैं ना, वलीद की तरफ का रास्ता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई नफीस भाई ने इतनी मस्त गाड़ी चला के लेकर आया कि डायरेक्ट घर के पास ही अपन उतरे हैं। चलो निकली इधर से। हाँ निकलती ना, रोड है ना पक्का। नहीं पक्का नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ गाइस। अरे सामने ही घर है, चलो अंदर बैठो, चलो अंदर। हाँ मेरा बच्चा अंदर आओ, चलो आ जाओ, वेलकम बैक टू होम। हाँ फिर से आ गए माशाल्लाह, हम लोग बैठे बैठे हालत खराब हो गई यार। मैं बैग ले लूँ, वहाँ से खोल रहे क्या क्या? ऐसे रुको, यहीं से ले लेता हूँ ना, खोलो ना। ये कैसे खुलेगा? नहीं खुल रहा है यहाँ से। अरे नहीं निकल रहा है, निकलेगा उठा ही नहीं पा रहे साहब। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, और खोल दो ये। मजा आई ना बैठ के आने, एकदम बढ़िया। ऐसा करेंगे अभी, क्या बोल रहे नफीस भाई? गाड़ी अरे एक नंबर चला के लेकर आ भाई, तुम मानना पड़ेगा, मस्त राइडर बन गया माशाल्लाह। चलो देखना अच्छा लग रहा है, लाइट नहीं जला के। नहीं लाइट अपनी है तो है ना। चलो भाई घर में एंट्री मारते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा शालू, एक नंबर, घूम फिर के आ गए अपन अपने वापस घर पे। अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन्नबी। अच्छा बेटो मेरा बच्चा, हेलो तुम आराम को देखो, रो रहा है, इसको सुला दो, उसको नींद आ रही है। ठीक है काय 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 चिकली, हाँ दिख रही नहीं। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, जाना संभाल के। ठीक है मिलते हैं अपन बाद में, ठीक है बाद में मिलेंगे अपन। चलो अल्लाह हाफिज। चलो कॉफी फी मारते ना? नहीं आते ही उधर पहुंच पे आ गए ना उधर। पक्का पक्का था। चलो ठीक है अब्बा भी आ गए। अरे चल भैया घर तक के छोड़ने को आना पड़ा। तो हम लोग जो सुबह 10 बजे निकले थे, कब पहुंचे पता है घर पे? ये देखो 2 बजे परफेक्ट पहुंचे हैं हम लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आई। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 1, 2 मतलब पूरा 4 घंटा लगा हम लोगों को यहाँ पर पहुँचने के लिए। और बस से अपने को कितना घंटा लगा था चालू? बस से कितने घंटे? सेम ना, लेकिन ये है कि बस से बहुत अच्छी है, मस्त मज़ा आई,
के बच्चे लोग ने परेशान किए लेकिन ज़्यादा नहीं, नॉर्मली। लेकिन बस में कैसा एकदम हालत ख़राब है, बस में ना सर दुखने लग जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। तो चलिए बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, तो जैसे कि आप लोग बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि मुस्कान भाभी कहाँ है, मुस्कान भाभी कहाँ है, मुस्कान भाभी कहाँ है, दरअसल मुस्कान भाभी गए हैं अपने अम्मी के वहाँ पर और हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि एक खुशखबरी है। तो क्या है आप लोगों से सालिहा बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दरअसल ये ना बात आप लोगों से मैं शेयर करने वाला था, जब उनके गोद भराई थी ना तो हम लोग को बुलाए थे, लेकिन कैसा बच्चे बीमार पड़ गए थे, सालिहा भी बीमार पड़ गया था, आप लोग ने ब्लॉग में देखे रहेंगे, तो इसी वजह से आ नहीं पाए। तो मैं सोचा चलो आप लोगों से अभी शेयर कर देता हूँ। हम लोग वहाँ गए थे मिलने के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ये सुन के खुशखबरी है। तो आप लोग दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह पाक जो भी दे सही सलामत दे, आफियत के साथ दे। आप लोग भी दुआ करना, मेरे भाभी अच्छे से और खैरियत से अच्छे से हो जाए, कि डिलीवरी आसानी से हो जाए, क्योंकि अम्मी के भाई डिलीवरी में थम जाएंगे उनसे मिलने। तो गाइस आप लोगों को पता चल गया कि मुस्कान भाभी कहाँ गए हैं, तो बस प्यारी प्यारी दुआ देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार सपोर्ट ऐसी बनाए रखें।